जब आप लोग वोट लेने आते हैं जब तो सब कहते हैं कि हम करेंगे करेंगे और उसके बाद तो कोई भी नहीं। इमरान खान कह रहा है, कहते हैं ये वायरस चल रहा है, वायरस चल रहा है, कनोरा वायरस चल रहा है, कनोरा वायरस से इससे ज़्यादा बीमारी हो रही है। उन्होंने कहा सारे वादे करें सारे निभाएंगे, पाकिस्तान नया बनाएंगे। कौन सा पाकिस्तान नया है? ये कोई पाकिस्तान नया तो नहीं है, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। कौन सा पाकिस्तान नया है आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं न्यू कराची UC 11 में और यहां मैं जब जैसे ही आई तो मैंने देखा इतनी शदीद गंदगी कि गाड़ी से उतरते ही हमारे पाँव भी गंदे हो गए। और यहां के लोग किस तरह से यहां पे रह रहे हैं इतने अरसे से इस गंदगी में, वो किस तरह से घर से निकलते होंगे, आज हम इनसे बात करने आए हैं। इनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये जो इतनी गली गंदी है और ये एरिया इतना गंदा है, गटर का पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, ये कितने अरसे से है? बहुत अरसे से बाबू, ये तो एक साल हो गया, काफ़ी साल हो गए इसको। तो कभी सूख जाता है, कभी सही हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार हैं और क्या कहते हैं, मीठा पानी का भी परेशानी, गटर लाइन मिल जाती है तो वो पानी आता है गटर का। अच्छा मतलब वो मीठे जो पानी घर में जो पानी आता है जिस लाइन से, तो अक्सर ये दोनों मिल जाती हैं और फिर जो है गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है और बहुत परेशानी, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है सब जगह भाई। तो किस तरह से आप लोग बाहर किस तरह से निकलते, क्योंकि ये सारे मुझे दरवाजे के आगे कीचड़ घुस घुस के निकलते हैं पानी में से, कपड़े भी नापाक गंदे हो जाते हैं, नमाज के भी, क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ता है ना सौदा उदा लेने। यहाँ के काउंसलर कौन है? कोई भी कंप्लेन सुनने वाला नहीं हमारी। अच्छा, आपने कंप्लेन कहाँ की है? UC में की है। अच्छा जी, तो एक साल से कोई उन्होंने नहीं सुना? एक साल से किसी ने कोई बात नहीं सुनी। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बोलते हैं, जाते हैं बार बार यूसी में। मतलब उनके हाथ में नहीं है कि आपको सफाई आपके यहाँ की करे, सेवरेज का निज़ाम अच्छा करे, आपको प्रॉपर सहूलत दें, वो उनका काम नहीं है, उनका काम है वोट लेना सिर्फ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कितने अरसे से इस एरिए का यह हाल? 3 साल हो गई, हमें 15 साल हो गई, हमारे 15 साल में 3 साल हो गई इसी तरह गंदगी। आप आगे आके देखिएगा, दलदल बना हुआ है, बच्चे बीमार पड़े हैं, आप ये देखिएगा। अच्छा तो इतने सालों में यहाँ कोई देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा आपसे? आते हैं वो बोलते हैं आ रहे हैं आप लोग चलें हम आ रहे हैं, बस यही बोल देते हैं बस। और तो फिर कुछ नहीं है। फिर आप लोग किस तरह से अपनी मदद, आपके तहत इसे सफाई करवाते हैं किस तरह से? अपनी मदद आपके तहत सब सफाई यहाँ की है। आप आगे आके जाके देखिएगा, सब मेरे बेटे ने खुद ही, शायद भाई है, मेरा बेटा है, 2-3 और हैं, सब अपनी मदद के तहत खुद ही कर रहे हैं। तो आपको कितनी मुश्किलात होती है इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा, रक्षे में बच्चा है, रक्षे का किराया देना पड़ता है, रक्षे में जाना पड़ता है, इस तरह से करते हैं। कोई कोई भी नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है। देखा, वोट लेने के लिए तो सब आ जाएंगे मगर सफाई सुथराई के लिए कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। मेरी 2 बेटियाँ इंतकाल हो गई। कैसे मतलब, कोई बीमार हो गई थी कैसे? यही वायरस फैला हुआ है पेट के दर्द का, इसमें मरी है, एक बुखार में मरी है।